सर्वप्रथम आज हरिवल्लभ जी माहेश्वरी को मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, और सबसे पहले मैं खत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज जो जिन्होंने हमारे जैसलमेर जिले को जो ये पूर्व वक्ताओं ने बताया जो इतनी देन दिए, चाहे वो इतिहास का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, और उनकी स्मृति में जो हमें भी यहाँ एक स्थान पर एकत्र करके और उनके बारे में जो जानकारी दी है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हूँ। और जैसलमेर जिला जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखता है, और जो यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ का इतिहास है, जो गौरवमय इतिहास है, वो आज हर कोई यहाँ न केवल राजस्थान भारत बल्कि विश्व भी इसकी सब जानने के लिए हमेशा हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ लोग आते हैं और यहाँ जैसलमेर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अपनी पुस्तक के माध्यम से, और जो जैसलमेर का इतिहास जिसमें उन्होंने PhD भी की, और जैसलमेर का वास्तविक जैसा कि पूर्व वक्ता बता रहे थे कि एकदम ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है लोग इतनी, और जो आपने जो माहेश्वरी जी ने जो ऑथेंटिक चीज़ें दी जिसके कारण कि आज कॉलेज में भी उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें पढ़ाई जा रही है, तो आज ये हम आने वाली पीढ़ी के लिए और जो जैसलमेर को और हर क्षेत्र में सुदृढ़ करने के लिए आपकी जो अमूल्य देन है वो उसको जैसलमेरवासी कभी नहीं भुला पाएंगे। और आज ही ये क्षति न केवल उनके परिवारजन समाज की बल्कि जैसलमेर की बल्कि ये पूरे जो इतिहास जगत की भी है कि इन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं उनकी क्षति हर जगह कमी महसूस होगी। इनके हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये क्या चाहते थे, कैसे जो संस्कृति और इतिहास को संजोए रखने के लिए जो इन्होंने किया उससे प्रेरणा लेके हमें भी हमारी संस्कृति धरोहर इतिहास को संजोए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। पुनः एक बार पूर्व वक्ताओं को मुझसे ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने कोई चीज़ रखी नहीं, लेकिन मैं एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपके बारे में जानने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म दिया, जो उनके साथ रहे भाटिया अंकल वगैरह सब ने जो उन्होंने जो अपनी चीज़ें शेयर की वो हमें भी पता चले कि जो जैसलमेर के लिए इतना कुछ कर गए वो आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। और खत्री जी का विशेषकर धन्यवाद दूंगी कि छोटे से आयोजन के माध्यम जो आपने गागर में सागर भरकर वास्तव में इन आयोजनों की अपनी सार्थकता है कि अपन जैसलमेर के लिए जो देन देखे गए उनसे हमें जोड़ने के लिए जो ये आपने एक सेतुबद्ध का काम किया है उसके लिए विशेषकर मैं खत्री साहब का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। एक बार पुनः सादर श्रद्धांजलि, सत सत नमन, धन्यवाद।